fashion is just not enough when you can. हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में. माय नेम इज अभियुत मिश्रा, आई एम जी एजुकेटर और आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर शो, जहां पर हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस जून की और जून का आज हमारा पार्ट फोर है दोस्तों. तो अगर आप अनअकैडमी पर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपके पास प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में वहाँ जाइए और प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन सर्च करना पड़ेगा. आप जब इस एप्लीकेशन सर्च करेंगे तो आपके सामने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन है. आप यहाँ क्लिक कर लेंगे तो हमारा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा. इंस्टॉल होने के बाद ऐप खुलेगा और यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए डालना पड़ेगा. अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालिए वेरीफाई करने के लिए. जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आप एप्लीकेशन पे लॉगिन हो जाते हैं. लॉगिन होने के बाद व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शन पे जाके आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक करना होता है. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी लैंग्वेज आती है. आपको इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे भी कंफर्टेबल हो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए. उसके बाद जैसे ही आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ऐसा पेज खुल के आएगा जहां पे लिखा होता है गेट सब्सक्रिप्शंस. यहां पे लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर लेंगे. क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस के ऑप्शंस आ जाते हैं, 6 महीने के, 12 महीने के, 24 महीने के. राइट नाउ 24 महीने पर अगर आप ज्वाइन करते हैं अकेडमी को तो आपको मिलता है 6 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट और 12 मंथ पे आपको 3 मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है. अच्छा, इसमें आप और एडमिशन में डिस्काउंट ले सकते हैं. हैव अ रेफरल कोड ऑप्शन जाके आपको AVP10 कोड लगाना है यहाँ पे और कोड लगाते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी और आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी पर आपको सारे क्लासेस तो मिलते ही हैं, इसके अलावा आपको स्पीड टेस्ट भी मिलती है, टेस्ट सीरीज पूरी फुल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन हमारे कर सकते हैं अनअकैडमी पर. ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं. तो इसके लिए गाइस आपको बस AVP10 कोड लगा के एडमिशन लेना होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट. तो यहां पर हम बात करेंगे जून मंथ की. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने और YouTube पर PDF डाउनलोड होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ना, वहां पे PDF मिल जाएंगे आपको सारे. देखो, सबका सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट आप उसे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. अगर आपको PDF नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम मैंने कितनी बार बोला हुआ है, आप ज्वाइन कर लो. तो किसी चीज पर आप वहां पे एकदम वो ना हो जाओ, मतलब कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है, तो आपको वहां मिल जाएंगे सारे PDF मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. तो कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे देश की GDP कितनी रहेगी, ये आपसे पूछा गया. तो व्हाट इज द इंडिया GDP फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री. वी हैव 5 ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 9.5% होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. तो कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, एग्जाम में आपका CII भी दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 9.5%, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. 9.5% न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है एंड TV नरेंद्र ये भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट नया है, तो CII प्रेसिडेंट है, याद कर लीजिएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. विच बैंक हैज लॉन्च अ कम्प्रहेंसिव डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म नेम द इंडस इजी क्रेडिट, या इसे आप IEZ ही बोल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से मालूम चला कि ये बैंक कौन सा होगा, ये बैंक कौन सा होगा. तो ये बैंक होगा आपका नन ऑफ दीस, मतलब कि इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. तो इंडसइंड बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया, तो एक पॉइंट हमारे पास ये है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडसइंड बैंक हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र, MD CEO सुमंत कठपालिया एंड टैगलाइन वी मेक यू फील रिचर. वी मेक यू फील रिचर, दोस्तों मैंने आपसे कई बार बोला हुआ है कि अगर आपको बैंकों के हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन आप एग्जाम में या तो नहीं जा रहे हो तो एक नंबर के लिए आप गेम खेल रहे हो. तो ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, मेरी बातों को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों. क्वेश्चन है, हु लॉन्च द आदि परीक्षण पोर्टल टू फॉस्टर स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन. तो आदि परीक्षण पोर्टल के बारे में बात हो रही है. तो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे घुमा के पूछ सकता है. अब ट्राइबल का मतलब क्या हो गया? हमारा आंसर ऑफकोर्स अर्जुन मुंडा होगा, लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि हमको सीधे सीधे एक नंबर मिल जाए. हम एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे कि अर्जुन मुंडा ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर द स्किल डेवलपमेंट फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका नाम बताओ. तो एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे घुमाएगा, तो तुम्हें आदि परीक्षण पोर्टल का नाम याद रखना पड़ेगा. तो ये देख लेना, ठीक है, वो एग्जाम है. तो एग्जाम में तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं, क्योंकि उसे मालूम है तुम इतने तो पढ़े लिखे हो कि तुम बता दोगे अर्जुन मुंडा मिनिस्टर है हमारे. तो आदि परीक्षण पोर्टल का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. और आदि परीक्षण पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द UNDP. तो UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है, याद होगा मेरे ख्याल से आपको ये भी चीज, है ना, तो ये भी देख लीजिएगा. एंड द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओडिशा, तो इन लोगों ने मिलकर बनाया इस पोर्टल को. नेक्स्ट पॉइंट, वेन इज द इंटरनेशनल पिकनिक डे ऑब्जर्व?
एक इंटरनेशनल पिकनिक डे हम कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 18 जून, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल पिकनिक डे 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुमा मोटर स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर होगा युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। युवराज सिंह को पुमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर द पुमा मोटर स्पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, और पुमा का हेडक्वार्टर जर्मनी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। अच्छा आप लोग बताइए मुझे, आप लोग एक बजे वाली क्लास में क्यों नहीं आते? एक बजे वाली क्लास में आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सीए चल रहा है, मतलब मैं तो सोचता था कि मतलब हमारे एग्जाम में हमको ये मालूम है कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमारे वहां से आने, लेकिन आप लोग उस क्लास में नहीं आते हो। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे लगता कि ऐसा क्यों हो रहा है क्लास में, एक बजे वाली क्लास में आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। फिलहाल चलिए आप लोग समझदार खुद ही आगे। तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाते हैं, इसका आंसर होगा 18 जून, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो ये पॉइंट हमारा, आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा जून 18 सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक प्राइड डे कब ऑब्जर्व होते हैं, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब ऑब्जर्व होता है, इसका आंसर होगा 18 जून, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे जून 18 को ऑब्जर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रैंक विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द फिस्कल ईयर 2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 99,000 करोड़ रुपए कुछ ट्रांसफर किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, है ना। तो ये रैंकिंग जो है, मतलब हर देश के सेंट्रल बैंक ने अपना सरप्लस अमाउंट जो भी अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया उस हिसाब से आरबीआई कौन से नंबर पर गया आपसे पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक पॉइंट हमारा यह देख लीजिएगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर टर्की इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले पे टर्की है, दूसरे पे आरबीआई है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 99,122 करोड़ रुपीज ट्रांसफर किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि हमारे जीडीपी का 0.44% था। वहीं टर्की ने जो ट्रांसफर किया है उनका ये 0.5% ऑफ जीडीपी था, तो इसलिए वो नंबर एक पर है, हम नंबर दो पर है। हालांकि हमने केवल 9 महीने के लिए ये ट्रांसफर किया था, 99,122 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने। विच कंट्री वॉज डिक्लेयर द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड इन द 15th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स रिलीज बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। यानी आपको मालूम चल रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, इसको रिलीज करता है कौन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। 15वां एडिशन था, ये सारे क्वेश्चन आपके आंसर आपको मिल रहे हैं। सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है, ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर होगा ऑफकोर्स अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की हम बात करेंगे, इसको रिलीज किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस सिडनी, एडिशन 15वां था ये। भारत की रैंक 135 थी, मोस्ट पीसफुल कंट्री की भारत की रैंक 135 है, ध्यान देखो, मोस्ट पीसफुल कंट्री आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क एंड देन पुर्तगाल, लीस्ट पीसफुल कंट्री अफगानिस्तान, मोस्ट पीसफुल नेशन इन साउथ एशिया भूटान। भारत की रैंक कितनी है, 135th है, तो एक पॉइंट आपके सामने। आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर एट द इंडियाज डब्ल्यूटीओ मिशन, भारत का डब्ल्यूटीओ मिशन, ठीक है, तो उसमें डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुआ, ये आपसे पूछा गया। वी हैव 5 ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा आशीष चंदोडकर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है आशीष चंदोडकर को एज द काउंसलर इन इंडियाज परमानेंट मिशन इन डब्ल्यूटीओ, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डब्ल्यूटीओ हेडक्वार्टर जेनेवा, डब्ल्यूटीओ डीजी कौन है समय, नागोजी अकोंजो इवेला, मेरे ख्याल से ये नैरोबी केन्या की हैं, तो अगर मैं गलत हूं मुझे कंफर्म कर देना, और इनका भी अपॉइंटमेंट न्यू है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट याद रखने हैं जो नए नए पॉइंट हुए हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ की डीजी हुई आपके, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ये आपका ये मानवतावादी वाला, मतलब ह्यूमन राइट कमीशन की अभी नई अपॉइंट हुई हैं, यूनिसेफ की हेड ने रिजाइन कर दिया है अभी, है ना, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। अंगटेड की बात करें, इसका भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये सब चीज़ें याद रखना, सब कुछ आपको पढ़ाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैन एनीवन टेल हाउ इज ही एज अ फैकल्टी, आई एम न्यू ईयर, हाउ इज ही एज अ फैकल्टी, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा गंभीर क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, अब ये क्वेश्चन का आंसर कोई कैसे दे सकता है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंबर ऑफ अ हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर्म बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ा कोविड 19 के द्वारा,
उसकी रिकवरी कैसे हो, इसके लिए कुछ लोग की कमेटी बनाई, उसमें भारत से कैसे चुना गया ये आपसे पूछा गया, ये आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा सर, कैसे जीए कंप्लीट करें, अभी एसबीआई क्लर्क है, प्लीज सर बोलिए, 2 दिन से आपसे आपका वीडियो देख रहे हैं। चलिए आगे इसका इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोंटेक सिंह आलू वाली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन था लास्ट टाइम, तो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आलू वाली, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। देखिए इंटरनेशनल लॉयर करीम खान की बात कर रहे हैं, बिलोंग टू विच कंट्री, हु हैज स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर कौन अपॉइंट हुए हैं, करीम खान, ठीक है। और आपसे पूछा गया किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये पॉइंट हमारे सामने, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ब्रिटिश लॉयर करीम खान की बात करें, ये न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग में है, याद रखिएगा, एक पॉइंट हमारे पास है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज पार्टनर्ड विद द विच स्टेट टू एम्पावर सपोर्ट एंड वुमेन थ्रू एसएचजी। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज पार्टनर्ड विद द विच स्टेट टू एम्पावर सपोर्ट वुमेन थ्रू एसएचजी। इसका आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओडिशा हमारा सही आंसर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़े गाइस नेक्स्ट पॉइंट। विच कंट्री हैज साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल सोलर एलियंस विद इंडिया। तो कई सारे देशों ने साइन किया है, अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो स्वाजीलैंड है, डेनमार्क है, डेनमार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डेनमार्क हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेशंस ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली एग्रीड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉपरेशन। तो आपसे पूछा गया है कि किस देश के, किस ऑर्गेनाइजेशन के जो देश हैं, नेशंस हैं, वो रिसेंटली एग्री हो गए हैं ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉपरेशन। तो एशियान की मीटिंग अभी चल रही है, ब्रिक्स की भी चल रही है, G20 की भी चल रही है, G7 की हो चुकी है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब G20 में होता तो हमको मालूम चलता ये काफी बड़ी चीज होती। तो G20 में तो 15% कॉर्पोरेशन टैक्स को लेकर बात हुई है, आपको बताइए, है ना। एशियान की बात करें तो इसका आंसर ब्रिक्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है, भारत में चल रही है, ठीक है। तो ब्रिक्स नेशन हैव अनएनिमसली एग्रीड ऑन एन इनोवेशन कॉपरेशन एट द 11th ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स इसका आंसर याद कर लो बस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द फिनटेक इंक्यूबेटर एफथोनिया लैब टू हेल्प स्टार्टअप डेवलप्स एपीआई एंड टेस्ट आइडियाज। तो स्टार्टअप्स को एपीआई विकसित करने और विचारों का परीक्षण करने के में हेल्प करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक इंक्यूबेटर एफथोनिया लैब से एग्रीमेंट किया। एफथोनिया लैब से एग्रीमेंट किस बैंक ने किया, ये आपसे पूछा गया है। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए यस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आप सही हैं मेरे बारे में, तो यस बैंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एफथोनिया लैब एंड यस बैंक याद करें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के हिसाब से भारत की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। 5 ऑप्शन आपके पास है, आप लोगों ने याद कर लिया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के हिसाब से गवर्नमेंट इंडिया की रैंक होने वाली है, इंडिया की ग्रोथ होने वाली 9.5%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक पॉइंट हमारा ये पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल इफको बी सेटिंग अप अ नैनो यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट। तो इफको नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र कहां पे स्थापित करेगा, ये आपसे पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से ब्राजील में होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुड बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो इफको की हम बात करेंगे, इफको ने अपना नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, ये अर्जेंटीना है क्या, अर्जेंटीना है सॉरी, ये ब्राजील नहीं है। तो ये ब्राजील में भी लगाया है और अर्जेंटीना में भी लगाया, दोनों में लगाया है। तो यहां पे अगर हम अर्जेंटीना लिखते हैं तो यहाँ पे डी और ई ऑप्शन दोनों हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इफको ने अर्जेंटीना में प्लांट लगाया है, ब्राजील में, दोनों में लगाया है, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से दोनों में लगाया, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर ब्राजील होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पावर, अडानी पावर लिमिटेड इज सेट टू एक्वायर 1200 मेगावाट एसआर पावर महान प्रोजेक्ट सिचुएटेड इन विच स्टेट। 1200 मेगावाट, बड़ा मतलब बड़ा फर्म है ये, एसआर पावर महान प्रोजेक्ट अडानी पावर एक्वायर करेगी कहां पे, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अडानी पावर लिमिटेड एक्वायर 1200 मेगावाट एसआर पावर महान प्रोजेक्ट कहां पे, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ये हमारे मिर्जापुर के बगल में ही है, और करीब 3000 करोड़ रुपए में खरीदेगा अडानी पावर। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से।
इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है हैज बीन कंपोज बाय हुम? तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरे सामने है किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर होगा मोहित चौहान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द अनंत बरुआ एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी बाय हाउ मेनी ईयर? तो सेबी में होल टाइम मेंबर है अनंत बरुआ, केंद्र सरकार ने इनका टेन्योर कितने साल के लिए बढ़ाया? तो इसका आंसर होगा एक साल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक साल ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया हैज लॉन्च अ न्यू ट्राइलेटरल विथ विच टू कंट्रीज फॉर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी? तो इंडो पैसिफिक स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ एक नया त्रिपक्षीय लॉन्च किया है, एक ग्रुप? तो ये आपका होगा आई थिंक इटली तो था, तो फ्रांस होगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया, इटली एंड फ्रांस, एक नया गठजोड़ आपको दिख रहा है, इंडिया, फ्रांस एंड इटली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इंडिया, इटली, जापान या कैसे, सॉरी, तो ये आपका ये आंसर होगा, इटली था, जापान इसका आंसर होगा, इटली एंड जापान हो जाएगा इसका आंसर। तो इंडिया, इटली, जापान लॉन्च देयर ट्राइलेटरल, सेकेंड ट्राइलेटरल इन्वॉल्विंग इंडिया एंड यूरोप। ठीक है, तो ये जापान है आपका। तो इंडिया, इटली, जापान, मतलब कि भारत, मतलब कि अगर ध्यान से हम पूरे वर्ल्ड मैप को देखें ध्यान से, यहाँ पे अगर इंडिया यहाँ पर है, जापान यहाँ पर है, तो इटली यहाँ पर है, तो पूरा इस तरह से। ठीक है, चलो, तो इंडिया, इटली, जापान, क्योंकि दोनों एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में है दोनों दोनों देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य शिक्षण प्रबंधन प्रणाली शुरू की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर अब नहीं है ये, इन्होंने स्टेट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था टू प्रमोट द डिजिटल लर्निंग इन द हायर एजुकेशन। तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। What is the revised growth rate of the India according to Moody's Investor Service? Moody's. तो Moody's के हिसाब से भारत की growth rate क्या रहने वाली? Answer is 9.6%. Option number C is the right answer. 9.6%. आगे बढ़ते हैं। Recently, the government has announced the establishment of how many Divyangta खेल केंद्र in different part of the country. तो हाल ही में सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने दिव्यांग खेल केंद्रों की स्थापना घोषणा की है? इसका आंसर होगा 5. ऑप्शन नंबर A is the right answer. तो 5 हमारा सही आंसर। Next question. Which state government said a chair will be established after Milkha Singh name as the sports ministry Patiala? देखो, तो अब यहाँ पे पटियाला कहाँ, पंजाब में है, तो हमको ये मान चुका कि पटियाला में बनने वाला है, पंजाब में कहाँ पे, पटियाला में, मिल्खा सिंह के नाम का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला में। ठीक है, तो पंजाब तो आपको मालूम ही चल गया इसके अलावा, तो पंजाब में कहाँ पे, पटियाला में बनेगा। ठीक है, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान देना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि मिल्खा सिंह के नाम पर पंजाब में कहां पे बन रहा है ये आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो आपका आंसर पटियाला हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्ड आउट सक्षम COVID-19 हेल्पलाइन फॉर द स्पेशली एबल्ड? तो किस राज्य सरकार ने विकलांगों के लिए कोविड हेल्पलाइन सक्षम शुरू की है? आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कर्नाटका ने सक्षम COVID-19 हेल्पलाइन शुरू की है। ठीक है, अच्छा, सक्षम एक और कैंपेन लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च हुआ था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल के द्वारा, वो भी याद रखिएगा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विच फर्म हैज ज्वाइंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड इनिशिएटिव में कौन सी भारतीय फर्म शामिल हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क, और इसका आंसर होगा विप्रो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो विप्रो ने ज्वाइन किया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्टनरशिप फॉर द न्यू वर्क स्टैंडर्ड, याद करना इसे भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु बिकेम द यंगेस्ट वुमन क्रिकेटर टू स्कोर ट्विन हाफ सेंचुरीज इन अ टेस्ट डेब्यू? तो टेस्ट डेब्यू में जुड़वा अर्शतक, जुड़वा मतलब दो पारी होती है ना टेस्ट में, तो दोनों पारियों में अर्शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो शेफाली वर्मा ने डेब्यू किया था और इन्होंने अपने दोनों टेस्ट मैच में 50 रन बनाए, तो एक देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। तो विच बैंक रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आई इजी क्रेडिट? ये वही है इंडसइंड बैंक वाला पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 21? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 21 में भारत की रैंक कितनी थी, ये आपसे पूछी गई है। तो इसका आंसर 120 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 21? इसका आंसर आई थिंक फिनलैंड होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की हम बात करेंगे, ये 6वां एडिशन इस साल था, रिलीज बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड द बैटल्समैन स्टेफटंग।
ठीक है, इंडिया रैंक 120th, टोटल कंट्रीज 165 थी, फिनलैंड ने टॉप किया था, स्वीडन नंबर 2 पर था और डेनमार्क नंबर 3 पे था। ठीक है, तो फिनलैंड ने टॉप किया और भारत की रैंक 120 है, टोटल कंट्री 165 है। छठवां एडिशन था एसडीजी इंडेक्स का, आपके सामने सारे पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट। विच कंट्री इज डेवलपिंग द $3.2 बिलियन टू स्पीड द डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल पिल्स टू क्रिएट टू ट्रीट COVID-19 एंड अदर डेंजरस वायरस दैट कुड टर्न इनटू पेंडेमिक्स। तो किस देश की सरकार जो है उसने अपने देश में $3.2 बिलियन का एक भारी भरकम पैकेज लॉन्च किया है, मतलब ऐसी जो भी बीमारियां होती हैं जो भविष्य में पैंडेमिक बन सकती हैं उनको रोकने के लिए पिल्स बनाए जा रहे हैं, वो देश कौन सा है? वो देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो $3.2 बिलियन का अपने आप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल विल पार्टिसिपेट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट इन द थर्ड वीक ऑफ जून इन विस सिटी। तो दोस्तों आपको मालूम है कि अभी आज ही हमने पढ़ा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 21 एडिशन स्टेट ऑफ जो लीडर्स होते हैं उनका हुआ, तो कहां पर हुआ आपको पता है, दुशानबे में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद ही है मेरे ख्याल से, क्या इसमें दिक्कत नहीं होगी, दुशानबे तजिकिस्तान में ये होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंडर द इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन IBPS, इसका भी नाम है IBPS का भी नाम है, तो इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम रजिस्टर्ड इज द हाईएस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय द 12,234 न्यू जॉब्स। तो कौन सा स्टेट ने सबसे अच्छी जॉब इसमें क्रिएट की आपसे पूछा गया, आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम IBPS लॉन्च बाय द सेंटर, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो जॉब है वो IT और BPO के लिए थी बेसिकली। ठीक है, और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट की है आंध्र प्रदेश ने, उसके बाद आपका तमिलनाडु है, ये देखिएगा सेकंड स्टेट इन द न्यू जॉब जनरेशन। तो एक पॉइंट आपके सामने दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ ट्यूनिशिया, भारत के अगले राजदूत ट्यूनिशिया के लिए कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर होगा नगुलखम जैथोम गंगटे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये अपॉइंट हुए ट्यूनिशिया के लिए भारत के अगले एम्बेसडर। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्यूबा, तो क्यूबा में कौन अपॉइंट हुआ है नेक्स्ट एम्बेसडर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एस जानकी रमन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एस जानकी रमन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यूबा कैपिटल हवाना, करेंसी पेसो। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम राइसी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, हमें पता है इसका आंसर ईरान होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट। Who has been awarded by the World Book of Record London for commitment toward the trade and the industry during the COVID times? Who has been awarded the World Book of Records London? Awarded the World Book of Records London for commitment towards trade and industry during the COVID times? और इसका आंसर होगा ख्याति नरावने, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये कौन है देख लेते हैं इनके बारे में। तो फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की CEO है, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की CEO ख्याति नराव ने, इनको अपॉइंट किया गया, इनको अवार्ड किया गया सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, आगे बढ़ते बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिसेंटली श्याम सुंदर जानी, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है ये, श्याम सुंदर ज्ञानी बोलेंगे हम, ज्ञानी, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है और बेसिकली इनका इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, हैज वॉन दिस ईयर प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ही बिलोंग टू विच स्टेट। तो श्याम सुंदर ज्ञानी का अपना एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि पर्यावरण शिक्षण अवधारणा, पारिवारिक वानिकी, ये तो इसको मिला हुआ है इस बार का प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। तो राजस्थान में इसके एक्टिविस्ट हैं श्याम सुंदर ज्ञानी, तो इनका अपना कॉन्सेप्ट है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, तो इसको यूनाइटेड नेशन लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया इस बार का। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है और इब्राहिम थाइवा इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। बोन आप इसका मेन हेडक्वार्टर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करो। इंडिया हैव साइंड अ MOU विद द विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द इन्वायरमेंट सेक्टर, तो भारत ने इन्वायरमेंट के लिए किस कंट्री से एग्रीमेंट किया, तो उसका आंसर होगा देखते हुए भूटान, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भूटान हमारा सही आंसर हो जाएगा, भूटान थिम्पू एंड द नगलट्रम, थिम्पू इज द कैपिटल, नगलट्रम इज द करेंसी। विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेटिंग इन द मेडन IN EUNAVFOR ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन,
तो आईएन का मतलब इंडिया, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन, एनए का मतलब नेवल फोर्स. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन. तो इसका आंसर होगा आईएनएस त्रिकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. देखिए, इंडिया एंड थ्री यूरोपियन नेशन, स्पेन फ्रांस एंड इटली. इंडिया स्पेन फ्रांस एंड इटली, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, ईयू एन ए वी एफ ओ आर नाम का एक्सरसाइज किया, कहां पे, गल्फ ऑफ एडन में. तो इंडिया इसमें था, स्पेन था, फ्रांस था, इटली था, और भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंड ने पार्टिसिपेट किया. तो याद कर लीजिएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस हाउ मेनी कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर द कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर. तो पीएम मोदी ने कोविड 19 फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया. इसका आंसर होगा कितने कोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 6 कोर्सेज लॉन्च हुए. तो पीएम मोदी हैज लॉन्च क्रैश कोर्स टू ट्रेन मोर देन 1 लाख कोविड वॉरियर्स एज ही कॉल्ड ऑन द कंट्री टू बी, ठीक है. तो ये पॉइंट हो गया, इसमें कहीं मेंशन तो नहीं है. द प्रोग्राम विल बी कैरिड आउट 111 ट्रेनिंग सेंटर 26 स्टेट में, ठीक है. ठीक है, चलिए. तो 6 कोर्सेज लॉन्च होंगे, याद रखिएगा, आपको और कुछ याद नहीं करना है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. विच कंट्री होस्टेड द एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इन द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेटेड वर्चुअली. तो इस बार एशियान की बात करें तो एशियान की कोई भी जो समिट होगी वो होस्ट कर रहा है ब्रुनोई. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, ब्रुनोई हमारा सही आंसर होगा, ठीक है. ब्रुनोई याद कर लीजिएगा, जिस तरह एससीओ आपने याद कर लिया, उस तरह एशियान याद कर लीजिए. ब्रिक्स आपको याद ही होगा, G7 आपको याद ही होगा, G20 आपको याद ही होगा, है ना. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट. विच कंपनी गॉट आरबीआई इन प्रिंसिपल नॉट टू टेक ओवर पीएमसी बैंक. तो पीएमसी बैंक को कौन टेक ओवर करेगा, आपसे पूछा गया. तो इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. और ये एक्वायर करके एक फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएगा, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, आपको हमने बता दिया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which organization was appointed as the personal certification body of the Yoga Certification Board of India? Yoga Certification Board of India से अगर आप योगा करते हो, योगा, तो आपको जो सर्टिफिकेट देगा कौन देगा, ICCR देगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन एज इट्स पर्सनल सर्टिफिकेशन बॉडी, ठीक है, याद कर लेंगे. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमसे. तो अबाउट द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके फाउंडर थे अब्दुल कलाम आजाद. 9 अप्रैल 1950 को यह बनाया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. नेक्स्ट पॉइंट. रिसेंटली क्रिकेटर केविन ओब्रायन अनाउंस हिज रिटायरमेंट, ही प्लेड फ्रॉम द विच कंट्री. ये कौन से देश से खेलते हैं, ये आपसे पूछा गया. 2011 वर्ल्ड कप अगेंस्ट द इंग्लैंड, इनकी पारी देखेगा कभी. इनका ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीलॉन्च इट्स कृषक बंधु स्कीम फॉर डबलिंग फार्मर एड रुपीज 10,000. तो किस राज्य सरकार ने अपनी योजना कृषक बंधु को वापस से लॉन्च किया है और इसमें किसानों को डबल मतलब 10,000 रुपए की हेल्प दे रहा है. तो कृषक बंधु स्कीम लॉन्च हुई है वेस्ट बंगाल में. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा. तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज रीलॉन्च द स्टेट गवर्नमेंट कृषि बंधु स्कीम, ठीक है, जिसमें किसानों को जो हेल्प मिलती है 5,000 रुपए, उसको डबल किया गया 10,000 रुपए पर एकड़ कर दिया गया, पर एकड़ है ये, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Who was re-elected as the Secretary General of the United Nations for a 5-year term? तो ऑफ कोर्स इनका नाम पता हमको, एंटोनियो गुटरेश. ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं. तो इन्हें फिर से 5 साल के लिए चुना गया. नेक्स्ट पॉइंट. When is the National Reading Day observed? तो नेशनल रीडिंग डे कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया. आंसर इज जून 19. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जून 19 को मनाते हैं. तो नेशनल रीडिंग डे जून 19 को मनाते हैं और इस बार 26वां एडिशन था, इस बार 26 एडिशन था, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना स्कीम फॉर ऑल वुमेन एंड यूथ. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में वुमेन्स को और यूथ को मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ावा दिया जाएगा. आंसर इज बिहार. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, दो स्कीम लॉन्च की गई थी, देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट. विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लेबल सिटी ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया, जिसके हिसाब से मोस्ट लेबल सिटी है वो बेंगलुरु होगी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आपके सामने है, ठीक है. देखिए, तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की बात करेंगे, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने इसे रिलीज किया है. बेंगलुरु सबसे ज्यादा लेबल सिटी है, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद शिमला है, भुवनेश्वर है और मुंबई है. वर्स्ट कैपिटल इन द परसेप्शन ऑफ सिटीजन दिल्ली है. और ये 4 पैरामीटर पे रैंकिंग होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शन. तो 4 पे होता है इसका रैंकिंग, देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. Name the Indo-American chemist who has been honored with the prestigious European Inventor Award in the non-European Patent Office Countries category.
इंडो अमेरिकन केमिस्ट जिसको ऑनर किया गया है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड के रूप में, इनका नाम होगा सुमिता मित्रा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं सुमिता मित्रा, इनको ऑनर किया गया है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से, ठीक है, देख लिया। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर, तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं? इसका आंसर होगा 20 जून, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिफ्यूजी डे? तो हम मनाते कब है? 20 जून को। और इसकी थीम क्या है? थीम इसकी है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की हम बात करेंगे, 20 जून को हम मनाते हैं, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन इसकी थीम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो वर्ल्ड म्यूजिक डे हम मनाते हैं 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड म्यूजिक डे हम 21 जून को मनाते हैं, इस बार की थीम है म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे हम मनाते हैं 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून, थीम है 100 ईयर ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी, 100 ईयर ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेशन हाइड्रोग्राफी इसकी थीम है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज वन द 21 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? इस बार का फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन किसने जीता? ये जीता आई थिंक मैक्स वर्स्टैपेन ने, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, रहने वाले नीदरलैंड के, याद रखना। आपसे कंपनी का नाम और कंट्री का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल डिक्लेयर पैन कार्ड एज इनऑपरेटिव इफ नॉट लिंक विद द आधार बाय 30 जून 2021? देखिए, अभी मैंने आज ही आपको पढ़ाया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा। पहले इसकी डेट थी 30 जून, फिर इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दिया गया था, और अभी 31 मार्च 2022 कर दिया गया है, ठीक है। फिलहाल अगर मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को नहीं मानते, तो आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा अंडर द सेक्शन 234H, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है दोस्तों। रिसेंटली अ 1098 कैरेट डायमंड हैज बीन डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर्स विच इज डीम्ड टू बी द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड। द डायमंड हैज बीन रिकवर्ड इन विच कंट्री? तो 1098 कैरेट का डायमंड है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड, और ये खोजा गया कहां पे? बोत्सवाना में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोत्सवाना। तो हम लोग पढ़े इस पॉइंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, India's unemployment rate declined to how much percent in the week ended June 13? ठीक है, तो week ended June 13 की बात आपसे कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 जून को समाप्त सप्ताह में भारत की, तो जून में पूरे जून की बात नहीं हो रही है, जून के दो सेकंड वीक की बात हो रही है, कितना हो गया देख लेते हैं इसका भी आंसर, 8.7%, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने से निकलना चाहिए एक बार जरूर से, ठीक है, 8.7% यहां बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, विच पावर जनरेटर विल एक्वायर द 1200 मेगावाट एस्सार पावर महान? तो ये आपको बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश में कौन कर रहा है? अडानी पावर कर रहा है, 3000 करोड़ रुपए में कर रहा है, ये भी हमको पता ही चल गया, ठीक है, देख लीजिए सारे पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड द सेवन साइन ऑफ बींग अ मदर? द सेवन साइन ऑफ अ बींग अ मदर, ये लिखा है आयुष्मान खुराना की वाइफ है, नाम है ताहिरा कश्यप खुराना, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which INS was awarded the best ship title at the Fleet Award 21? तो किस इंडियन नेवल शिप को बेस्ट शिप टाइटल दिया गया, ये आपसे पूछा गया फ्लीट अवार्ड में, और इसका आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, INS सह्याद्री। तो INS सह्याद्री वॉज एडजस्ट एज द बेस्ट शिप फॉर द ईस्टर्न फ्लीट अमंग कैपिटल शिप इन द फ्लीट अवार्ड 21, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सह्याद्री को बेस्ट शिप का अवार्ड मिला है फ्लीट अवार्ड में, याद रखिएगा। अच्छा, INS कमोटा रिसीव द टाइटल ऑफ द मोस्ट स्पिरिटेड शिप, तो इस ये देख लेना INS का मोटा को मिला है। INS किल्टन एंड INS खुखरी वॉन द बेस्ट कॉर्वेट ट्रॉफी, तो बेस्ट कॉर्वेट ट्रॉफी से मिली है INS किल्टन और खुखरी को, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोविड सेवरिटी स्कोर सॉफ्टवेयर CSA सॉफ्टवेयर लॉन्च द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता इन कोलाबोरेशन विद द विच बॉडी? तो कोविड गंभीरता स्कोर सॉफ्टवेयर की बात करें, यह किस कॉलेज के सहयोग से फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने लॉन्च किया, आपसे पूछा गया। इसका आंसर IIT गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, देख लीजिएगा। अ सॉफ्टवेयर कैन नाउ आइडेंटिफाई पेशेंट लाइकली टू रिक्वायर वेंटिलेटर सपोर्ट इज इन ICU और रेफरल इन टाइम एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स बिफोर इमरजेंसी। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये पहले ही पहचान कर लेगा किस व्यक्ति को किस पेशेंट को मतलब ICU में डालना चाहिए, ठीक है। और इसको हम क्या बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर को? कोविड सेवरिटी स्कोर,
ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया है, लॉन्च किया है द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन इन हेल्थ कोलकाता ने। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विच मिनिस्ट्री ज्वाइन हैंड विद द एनसीईआरटी फॉर कंडक्टिंग प्रोग्राम अक्रॉस द 350 फंक्शनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अक्रॉस द कंट्री। एकलव्य स्कूल जो होते हैं वो होते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स ज्वाइन हैंड विद द एनसीईआरटी, ठीक है। 350 फंक्शनल ईएमआर स्कूल्स में कुछ प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ मेमोयर विल टू बी रिलीज सून, हु इज द को-ऑथर ऑफ दिस बुक। तो अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ मेरे ख्याल से सब जानते ही होंगे, तो इनकी मेमोयर आने वाली है विल, इसके को-ऑथर कौन है, को-ऑथर मार्क मैनसन है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहां पे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आशीर्वाद स्कीम फॉर द चिल्ड्रेन। आशीर्वाद अचोनी स्कीम लॉन्च हुई थी असम ने, आशीर्वाद स्कीम लॉन्च हुई थी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ओडिशा। तो ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च किया था आशीर्वाद स्कीम, इसका मतलब ये था कि मतलब ऐसे बच्चे जिनके मतलब पेशेंट की मृत्यु हो गई, पेरेंट्स की मृत्यु हो गई है, उनके लिए था बेसिकली, ठीक है। अंडर दिस स्कीम 2500 पर मंथ विल डायरेक्टली बी ट्रांसफर टू द अकाउंट ऑफ द चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स इन कोविड-19 पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स हैज बीन लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यूएस इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप जो यूएस और इंडिया के बीच में हुआ था उसके तहत। तो इंडिया एंड द यूएस लॉन्च द स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप इन न्यू दिल्ली इन विच ईयर, तो इसका आंसर होगा 2018, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज एक्सपेक्टेड टू साइन अ लॉ मेकिंग जून विद जून और जून 10th एज ए नेशनल हॉलीडे रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अवकाश के रूप में कितने जून को जून 10th बनाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है, मतलब इस दिन हॉलीडे होगा क्योंकि इस दिन अमेरिका सिविल वॉर खत्म हुआ था। इसका आंसर होगा इतना 19 जून। तो 19 जून को क्या होगा, 19 जून को अमेरिका में छुट्टी होगी, देख लो यहाँ पे जून 10th लिखा हुआ है ना, छुट्टी रहेगी। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज एक्सपेक्टेड टू साइन अ लॉ मेकिंग द जून 19 और जून 10th एज ए नेशनल हॉलीडे, ठीक है। द डे इज कमेमोरेटेड एज द एंड ऑफ द स्लेवरी आफ्टर द अमेरिकन सिविल वॉर 1861-65, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल एंड विच बॉडी हैज ऑर्गेनाइज फ्लैग सत्याग्रह प्रोग्राम इन द जबलपुर मध्य प्रदेश। फ्लैग सत्याग्रह कहां पर हुआ, जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, इसको प्रहलाद सिंह पटेल ने और IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ये है इसने मिलकर सेलिब्रेट किया था, IGNCA याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव, फ्लैग सत्याग्रह जबलपुर। नेक्स्ट पॉइंट, तडांग मीनू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द विच ऑर्गेनाइजेशन कोच कमेटी। तडांग मीनू को किस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की कोच समिति के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया और ये पहली भारतीय महिला बनी, तो इसका आंसर होगा AIBA, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश की हैं तडांग मीनू, बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडिया एंड द सेकंड इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द कोचेस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तडांग मीनू किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द विच पर्सन एज द होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी फॉर द 2 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको सेबी में जो बोर्ड ऑफ मेंबर में है इनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संतोष कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, संतोष कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, द यूनियन कैबिनेट हैज अपॉइंटेड विच पर्सन एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। यूनियन कैबिनेट ने किसको अपॉइंट किया एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, इनका नाम है मनोज कुमार परीडा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनोज कुमार परीडा हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्सन वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, DARPG। किसको अपॉइंट किया गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इनका नाम है संजय कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। संजय कुमार सिंह हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, सेक्रेटरी यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है, मुझे पता है क्या नाम, इनका नाम जहां तक मैं सही हूं तो रेणुका कुमार होगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो सीनियर ब्यूरोक्रेट रेणुका कुमार वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बेंगलुरु मोस्ट लेबल सिटी ऑफ इंडिया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 4 पैरामीटर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, चूज एन ऑड वन। तो 4 पैरामीटर अभी हमने बात की थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, सिटीजन परसेप्शन था, ये नहीं था, ऑप्शन नंबर ई नहीं था, ऑप्शन नंबर ई नहीं था। हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। ये चार पॉइंट पर रैंकिंग होती है, तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन परसेप्शन। दिल्ली वोस्ट कैपिटल, बेंगलुरु टॉप पे किया है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द हुज चेयरमैनशिप टू प्रोवाइड टेक्निकल इनपुट एंड रिकमेंडेशन ऑन द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस। केंद्र सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द किसके चेयरमैनशिप, टू प्रोवाइड टेक्निकल इनपुट एंड रिकमेंडेशन ऑन द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस एंड नेशनल फ्लोर वेजेस टू द गवर्नमेंट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मेरे ख्याल से होगा 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 अजीत मिश्रा। अजीत मिश्रा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अजित मिश्रा हमारा सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान टू इन्वेस्ट $300 मिलियन टू सेटअप अ 2 GW सोलर वेफर एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। $300 मिलियन कौन सी कंपनी निवेश करेगी टू सेटअप 2 GW सोलर वेफर एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग? तो ये है 1366 टेक्नोलॉजी कंपनी, ये बिल गेट्स की कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बिल गेट्स ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर बैक्ड 1366 टेक्नोलॉजी, ये $300 मिलियन निवेश करने वाली भारत में 2 GW सोलर वेफर एंड सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन रूल्स, कंपनी दैट हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग कैन नाउ सेल हाउ मच परसेंट ऑफ देयर शेयर। तो नियम में नवीनतम संशोधन के हिसाब से अगर कोई कंपनी आईपीओ करने के लिए आ रही है शेयर मार्केट में, और जिन कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ से अधिक है, अब वो अपना कितना शेयर बेच सकती है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। इसका आंसर होगा 5%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो कंपनी दैट हैव अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग कैन नाउ सेल जस्ट 5% टू देयर शेयर्स विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द रूल्स। तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Such entities will be requiring to increase their public shareholding to 10% in 2 years and 25% within 5 years. यानी क्या बोला गया है कि आप 5% शेयर बेच सकते हैं लिस्ट होते समय में। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया कि अगले 2 सालों में आप चाहें तो अपने 10% शेयर बेच सकते हैं, और अगले 5 सालों में आप अपने चाहें तो 25% शेयर बेच सकते हैं। तो LIC की बात करें तो LIC जो है ये अपने शेयर 5 साल में बेचेगी, 25% ही बेचेगी, तब भी 75% गवर्नमेंट का होगा, मतलब 5 साल में प्राइवेट तो नहीं होगी, तो चिंता मत कर इसके बारे में। वैसे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC कभी प्राइवेट नहीं होगी, कभी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री हैज सक्सेसफुल टेस्ट ऑन द एयरबॉर्न हाई पावर लेजर दैट कैन शूट डाउन ड्रोन्स। तो किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को हवा में मार गिराएगी? इसका आंसर इसराइल होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसराइल ने ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वर्क विद इंडिया रिलायंस जियो टू डेवलप 5G नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। रिलायंस जियो ने 5G के लिए एग्रीमेंट किया था इंटेल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हमको बताया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एम फॉर द नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? नेट जीरो कार्बन। इसका आंसर 2035 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, द इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड इन सियोल इन विच मंथ? इलेक्ट्रिक मोटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ये 2022 में होगा, सियोल में होगा। सियोल का मतलब समझते हैं ना आप लोग, सियोल। तो कहां पर होगा ये आपसे पूछा गया, तो ये होगा, ये कब होगा? ये होगा अगस्त 2022 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन सियोल में होने वाला, अगस्त 2022 में होने वाला, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन हैज डिक्लेयर हुज बर्थडे एज द नेशनल टेनिस डे इन स्पेन। तो रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने किसके बर्थडे को नेशनल टेनिस डे मनाने की बात स्पेन ने बोली है? और इसका आंसर होगा रोजर फेडरर होना चाहिए, ऑप्शन राफेल नडाल, सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ स्पेन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सॉरी राफेल नडाल। द 13-time फ्रेंच ओपन विनर सेलिब्रेटेड हिज 35th बर्थडे ऑन June 3। तो रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने क्या बोला है कि मतलब इस दिन अभी नेशनल टेनिस डे हम मनाएंगे स्पेन में, ठीक है। तो एक पॉइंट हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ अ पैराग्लाइडिंग क्लब आफ्टर हुज नेम। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि मिल्खा सिंह जी के नाम पर एक पैराग्लाइडिंग क्लब खोला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिल्खा सिंह जी के नाम पर, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हु अनवील डॉक्टर कृष्ण सक्सेना बुक माई जॉयस एंड सैरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड. कृष्णा सक्सेना हमारे देश में पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी किया था, लखनऊ से बिलोंग करती हैं. तो इनकी बुक है माई जॉयस एंड सॉरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल गाइड. यानी बुक का नाम दिया हुआ है आपके, ऑथर का नाम दिया हुआ है. किसने रिलीज किया? रिलीज बाय डॉक्टर हर्षवर्धन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये बुक अच्छी है. माई जॉय एंड सैरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड. कृष्णा सक्सेना इज द ऑथर और हर्षवर्धन जी ने रिलीज किया था इसको. ठीक है, दो लिखा भी है. डॉक्टर सक्सेना वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गॉट अ पीएचडी डिग्री फ्रॉम द लखनऊ यूनिवर्सिटी इन 1955 में किया था उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी कंफर्म दैट द स्पेक्टेटर लिमिट फॉर द गेम्स हैज बीन सेट एट 50% ऑफ द वेन्यू कैपेसिटी अप टू अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पीपल. तो टोक्यो ओलंपिक में स्पेक्टेटर की लिमिट 10,000 फिक्स कर दी गई थी. याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपके सामने देख लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द वेवर ऑफ द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्ज ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम सोलर एंड विंड सोर्सेज अप टू विच ईयर. तो सरकार ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतरराष्ट्रीय परेशण प्रणाली शुरू की छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया. इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश ने क्या किया, आंध्र प्रदेश ने अपना कोई बिजली यूनिट लगाया हुआ है कोई सोलर पैनल वाला किसी और स्टेट में, मतलब वहां पे लोकेशन ऐसी है. तो कहने का मतलब कि अब ये मान लो किसी और स्टेट से आपके देश में आपके स्टेट में आ रही है, तो आपको कोई टैक्स इस पर कोई फीस पे नहीं करनी है आपको 2025 तक. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, इंट्रा का मतलब होता है सेम. तो स्टेट डिफरेंट स्टेट की बात करें तो जब बिजली बिजली जाती है तो चार्जेस देने पड़ते हैं, वो 25 तक माफ कर दिए गए. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, तो पहले ये 23 तक था, 25 तक कर दिया गया. आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट हैज रिलीज गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज. तो किस राज्य ने स्कूली छात्रों को यौन शोषण से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? आपके सामने पांच ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा तमिलनाडु. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु हमारा सही आंसर. द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रिलीज गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्टिंग स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज. ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास, आगे बढ़ते हैं. तमिलनाडु, हाँ. द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द स्टेट इज होल्डिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द सीरो सर्विलियंस सर्वे अमंग चिल्ड्रन इन द स्टेट. तो आपसे पूछा गया किस राज्य से मिलकर ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान पहली बार राज्य में बच्चों के बीच सीरो सर्विलियंस सर्वे कर रहा है. इसका आंसर तेलंगाना होना चाहिए मेरे हिसाब से. ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर. फिर देख लीजिए, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन along with Telangana government is holding for the first time the zero surveillance survey among the children. ठीक है, तो option number B is the right answer. Next point, which person named ambassador of forest frontline heroes at WWF India? तो किसको WWF India में ambassador of the forest frontline heroes नामित किया गया? Answer हमारा क्या होगा? इनका नाम है उपासना कामिनी. option number is the right answer. तो WWF India has inducted उपासना कामनेनी, डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल की, एज द एम्बेसडर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज. ठीक है, याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेम द एप्लीकेशन विच वॉज अनवील्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ द 7th इंटरनेशनल योगा डे. तो 7th था इस बार एडिशन इंटरनेशनल योगा डे का, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर है एम योगा. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद करना पड़ेगा, एम योगा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट दोस्तों, Who is the author of the new book titled हब्बा खातून? तो हब्बा खातून बुक की ऑथर कौन है? नाम है काजल सूरी. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हब्बा खातून काजल सूरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was appointed as the next High Commissioner of India to the Republic of Zambia? Next High Commissioner of India to the Republic of Zambia, हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा अशोक कुमार. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अशोक कुमार. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अशोक कुमार अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द जाम्बिया. जाम्बिया कैपिटल लुसाका, करेंसी क्वांचा. ठीक है, याद कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज पार्टनर्ड विद द TCS फॉर द 5G नेटवर्क सॉल्यूशन इंडिया. विच टेलीकॉम ऑपरेटर हैज पार्टनर्ड विद द TCS फॉर द 5G. तो TCS 5G की बात हो रही है, आंसर इज एयरटेल. तो देखो यहाँ पे एयरटेल की बात हो रही है और TCS की बात हो रही है. इसके पहले आपने जियो पढ़ा था और इंटेल पढ़ा था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड इनॉग्रेटेड द मिनंगम टू रिड्रेस इलेक्ट्रिसिटी इश्यू 24/7 इन द स्टेट. तो किस राज्य सरकार ने राज्य में 24/7 बिजली के मुद्दों के निवारण के लिए मिनंगम का उद्घाटन किया? तो ये है आई थिंक तमिलनाडु. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने लॉन्च किया था. आगे बढ़ते हैं, सुनील मीना जी अगर आप थक गए तो आप जाओ नया क्लास में, क्यों परेशान हो, कितने क्वेश्चन बचे हैं. मैंने आपसे बोला कि आपको क्लास में रहना ना, गोली मार दूंगा मैं, नहीं बोला ना मैंने. आपका मन, आप क्लास करें, नहीं मन मत करें क्लास,
कौन सा मैं फिर बोला रुको क्लास में रुको तुम लोग, मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हर साल अंकटेट निकालता है, मैंने बोला हुआ। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन एज द रिसिपिएंट ऑफ द एफडीआई, तो अंकटेट के हिसाब से भारत की पोजीशन एज द रिसिपिएंट ऑफ द एफडीआई, ठीक है। तो इसका आंसर पांचवा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये आपके सामने देख लीजिए, तो पांचवा हमारा सही आंसर। तो अंकटेट ने क्या बोला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली है और भारत पांचवा लार्जेस्ट रिसिपिएंट था ऑफ द एफडीआई इनफ्लो इन 2020। तो भारत के पास 64 बिलियन डॉलर का निवेश आया था, एन इंक्रीज ऑफ द 27% अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 64 बिलियन डॉलर पिछले, ठीक है, और पिछले साल से 27% ग्रोथ, याद रखिएगा। और भारत पांचवा नंबर का क्या था, सबसे ज्यादा एफडीआई यहां पर आई थी, ठीक है, तो याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, लिखा इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट रेसिपियंट ऑफ इनफ्लो इन द वर्ल्ड एंड हैज रिसीव कितना, 64 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई यूएस को मिला, देन चाइना, देन हांगकांग, तीन नंबर पे, पांचवें पे भारत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, बर्बनी जॉयस वॉज अपॉइंटेड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो बर्बनी जॉयस को किस देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक पॉइंट हमारे पास ये दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द इंस्टेंट कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी टू ऑनलाइन परचेस मेड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पहली बार किसी बैंक ने कार्डलेस ईएमआई लॉन्च किया, और आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज द आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टेंट कार्डलेस ईएमआई लॉन्च की थी, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आर्मेनिया, आर्मेनिया के पीएम कौन बने, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकोल पाशियन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निकोल पाशियन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्मेनिया, कैपिटल येरेवन, करेंसी ड्रैम, ये दो पॉइंट याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए, सॉरी, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन एमओयू विद द सर्वे ऑफ द इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट, तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर इंप्लीमेंटिंग स्वामित्व स्कीम, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर दो लोग परेशान है, पूछा था एक लोग सितंबर कब होगा और एक लोग कितने क्वेश्चन है, दो लोग बड़े परेशान है। धीरज जी, आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब मैं छोड़कर आपको उस नंबर पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, जब पढ़ाया जाएगा तब आपको मालूम चल जाएगा, खुद ही मालूम चल जाएगा कि पढ़ाया जाएगा, है ना। हाँ, पढ़ाएंगे इसी बीच में, पढ़ाएंगे इसी बीच में, है ना। तो बार बार कहने से मतलब क्या है, किसी सितंबर सितंबर से कोई मतलब ही नहीं कहने का, बार बार है ना, जब पढ़ाना मतलब पढ़ा दूंगा मैं। देखो, एक दो लोग जब भी क्लास में होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अजीत मीना तुम्हारे ऊपर ही हंस रहे हैं, कितने क्वेश्चन है तुम्हारे ऊपर ही हंस रहे हैं, अब तुम्हें क्या बताएं हम। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड विद द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी हाईएस्ट अवार्ड ओपन सोसाइटी प्राइज, तो सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला, यह आपसे पूछा गया, फाइव ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा केके शैलजा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केके शैलजा हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज एंटर्ड इन टू एमओयू विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द एनएसआईसी बैंक क्रेडिट फैसिलिटेशन स्कीम टू सपोर्ट एमएसएमई, व्हाट इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। अंडर हुज चेयरमैनशिप द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी टू प्रॉप कंप्लेंट फॉर ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसकी अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए कमेटी बनाई है, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा राजीव जैन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात करेंगे, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, राजीव जैन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड टेक ओवर पैनल बाय द सेबी? हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड टेक ओवर पैनल बाय द सेबी? आंसर हमारा क्या होगा? श्याम शर्मा बोल रहे हैं कि सर आप कभी लाइक के लिए नहीं बोलते हैं, बाकी सब बोलते हैं, तो मेरा कंटेंट उस लेवल का है नहीं कि मैं लाइक के लिए बोलूंगा आपसे, है ना। जैसा कंटेंट बढ़िया हो तो आप लोग बिना कहे लाइक कर देते हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है बार बार इस चीज को, अगर मुझे जिस दिन कॉन्फिडेंस होगा मेरा कॉन्टेंट उस लेवल का, मैं खुद ही बोल दूंगा लाइक करो लाइक करो लाइक करो। अभी तो आपको समझना है ना क्या करना आपको क्या है। ठीक आंसर एनके सोडी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एनके सोडी हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये भी पॉइंट अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये आपको मेंबर्स याद नहीं करने हैं, आप केवल एनके सोडी याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु विल बी द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट एट ओलंपिक? न्यूजीलैंड की ये है, इनका नाम है लॉरेल हबर्ट। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, आपको बताया गया है। ये वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगी लॉरेल हबर्ट, न्यूजीलैंड की है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा। आगे बढ़ते हैं, 87 kg प्लस कैटेगरी। ठीक है, देख लो 87 प्लस कैटेगरी वेट लिफ्टिंग में करेंगी, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है, कहीं से भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा जो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन इज वर्ल्ड रेनफॉरेस्ट डे ऑब्जर्व? विश्व वर्षा वन दिवस कब मनाते हैं, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर होगा 22 जून। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड रेनफोर्समेंट डे की बात करेंगे, 22 जून इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड रेनफॉरेस्ट डे 22 जून को ऑब्जर्व करते हैं। प्रोटेक्टेड टुगेदर नाउ फॉर एवर, ये इसकी थीम है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली सैमसंग हैज सेटल्ड अप अ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट? तो सैमसंग हैज सेटल्ड अप अ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में यहाँ बनेगा। ठीक है, ये चाइना से निकल रहा है और नोएडा में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव द विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन रिवाइवल प्लान सबमिटेड बाई ए कंजोर्टियम ऑफ द लंडन बेस्ड कैलरॉक कैपिटल एंड यूएई बेस्ड बिजनेसमैन मुरारी लाल जलान? आज ही मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ा रहा था एनसीएलटी के बारे में, तो मैं बता रहा था कि एनसीएलटी देखती है कि जब कोई कंपनी बैंक का ड्यू वापस नहीं कर पा रही है, तो एनसीएलटी कुछ अपने एजेंट्स अपॉइंट करती है अपने रिजोल्यूशन के लिए। देख लो भाई, इसका एग्जाम्पल है। तो मतलब जेट एयरवेज की हम शायद बात करेंगे। हाँ, जेट एयरवेज लॉस में ये अपने ड्यूज बैंक को दे नहीं पा रहा है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उन बैंकों ने कंप्लेन किया होगा। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने दो अपॉइंट किए एजेंट, एक लंडन बेस्ड कैलरॉक कैपिटल और एक यूएई बेस्ड मुरारी लाल जलान। अब ये लोग रिवाइवल करेंगे इसका पूरा, तो ये पॉइंट हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, विच स्टेट हैज अनाउंस द पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर Which aims to witness 2 lakh electric vehicle on the road in the next 4 year? तो इस स्टेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है और इसका ऑब्जेक्टिव है कि मतलब 4 साल में 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेट में होने चाहिए। इसका आंसर है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो गुजरात गवर्नमेंट ने यह किया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। विच स्टेट ई लॉन्च एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम? तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम भी लॉन्च की है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यह भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस अ वन टाइम रिलीफ ऑफ द हाउ मेनी रुपीज टू 20,713 सिनेमा एंड टीवी आर्टिस्ट? कर्नाटका में रह रहे 20,713 सिनेमा और टीवी कलाकारों को एक साथ कितना अमाउंट देने की बात हुई है? आंसर इस 3,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। साइबर पीस फाउंडेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस द लॉन्च ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द साइबर एथिक्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम? ये क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया था 2019 के एग्जाम में। ठीक है, तो साइबर पीस फाउंडेशन ने व्हाट्सएप से एग्रीमेंट किया है, सेकंड फेज लॉन्च हो रहा है, मे बी आपके एग्जाम क्वेश्चन आ जाए। तो व्हाट्सएप एंड साइबर फाउंडेशन याद रखिए हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड अमृता पड्डा एज द चीफ पीपल ऑफिसर टू लीड द कंपनी पीपल स्टडी? अमृता पड्डा की हम बात करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर भारतीय एयरटेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, याद कर लीजिएगा, भारतीय एयरटेल। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस इन कलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेस? The Union Cabinet has approved an agreement between the Republic of India and which of the following other? तो इसका आंसर क्या होगा? Exchange of the information. इसका टैक्स को लेकर है। इसका आंसर सेंट विंसेंट भी है और ग्रेनेडीज भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया एंड सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीज, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेंट विंसेंट कैपिटल किंगस्टाउन एंड करेंसी कैरेबियन डॉलर यहाँ पे चलता है। Who made history in June 2021 when she became the first Arab woman to win a WTA title? WTA का मतलब टेनिस की बात हो रही है। ठीक है, तो पहली अरब महिला जिसने भी कोई WTA टाइटल जीता, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओन्स जेबर। ऑप्शन नंबर बी।
तो ओंस जबूर नाम है इनका, ट्यूनिशिया से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने अपना पहला, ये पहली अरब वुमन बनी है टू विन अ डब्ल्यूटी टाइटल, ठीक है याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। Which of the following inform that the Great Barrier Reef should be added to the list due to the impact of the climate change? Should be added to the list due to the impact of the climate change? जलवायु परिवर्तन, ये आपको मैंने अपने करंट अफेयर से पढ़ाया भी है, मैंने इसकी इमेज भी डाली है। ऑस्ट्रेलिया में ये है प्रॉपर, एक मतलब समुद्र में एक प्रा इसकी एक लेयर बनी हुई है ग्रेट बैरियर रीफ की। तो यूनेस्को ने इसे बोला हुआ है इसे शामिल करने के लिए हेरिटेज साइट्स में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इनडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज रिकमेंडेड बाय द यूएन कमेटी, तो ग्रेट बैरियर रीफ शुड बी एडेड टू अ लिस्ट इन डेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये आपको याद रखना, यूनेस्को ने इन्फॉर्मेशन दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज अडॉप्टेड अ विजन डॉक्यूमेंट टू रेस एटलीस्ट 1000 क्रिटिकली इंडेंजर्ड ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल बाय 2030। तो किस राज्य के वन विभाग ने 2030 तक कम से कम गंभीर रूप से संकटग्रस्त काले सॉफ्ट सेल पशु कछुओं को पालने के लिए एक दृष्टि दस्तावेज अपनाया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, असम पालेगा इन कछुओं को। नेक्स्ट पॉइंट, paisabazaar.com एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव लॉन्च स्टेप अप क्रेडिट कार्ड? paisabazaar.com ने और किस बैंक ने मिलकर स्टेप अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे देखना। और इसका आंसर होगा SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो paisabazaar.com, SBM इंडिया, स्टेप क्रेडिट कार्ड याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एंबेसडर ऑफ द OnePlus वियरेबल्स? OnePlus वियरेबल्स के ब्रांड एंबेसडर जसप्रीत बुमराह बने थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मूडीज हैज प्रोजेक्टेड इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट, तो इसका आंसर होगा 9.6%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, आर चंद्रमौली वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ, क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज द जिबूती, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चंद्रमौली। नेक्स्ट पॉइंट, जिबूती कैपिटल जिबूती ही है एंड द फ्रैंक यहाँ पे कंसिडर होती है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ इराक, इसका आंसर होगा एल प्रशांत पीसे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इराक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज साइंड अ बैंक इंश्योरेंस पैक्ट विद विच बैंक, आंसर इज द IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख लो यहां पे फंसना मत यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग वॉज प्लांटेड इन विच स्टेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर असम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड अ MOU वोहर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड नाइट, तो ये फिजी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज रिसेंटली इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका आंसर क्या होगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे हमारा सेशन खत्म होता है, कल हम फिर पढ़ेंगे जून पार्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, अपना अमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज में, थैंक यू सो मच।